नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी स्नेही जनों का इस विधि विधान चैनल पर स्वागत है। सभी को नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि यह समय विकट परिस्थिति विषम परिस्थितियों वाला है। साल भर बाद फिर से इस कोरोना महामारी का दूसरा दौर शुरू हो गया है, जिसमें हम सभी लोगों को सुरक्षित भी रहना है, स्वस्थ रहना है, अपने परिवार वालों को भी सुखी और स्वस्थ रखना है। इसलिए जो भी नियम बताए गए हैं, मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग रखने का, सैनिटाइजेशन करने का, इस प्रकार जो भी नियम है वह सब फॉलो करते हुए अपने को सुरक्षित अपने को भी रहना और अपने परिवार को भी और अपने सामने जो भी है उसको भी सुरक्षित रखना है। इसलिए ये नियम सब आप लोग फॉलो करें, इसी निवेदन के साथ में। और इस जो महामारी चल रही है, ये विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए एक उपाय और भी है कि हम अपने इष्ट से, अपने ईश्वर से जुड़ें और जुड़े रहें। इसलिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन है करवद्ध कि आप अपने घर में रहकर भगवान का भजन करें, स्मरण करें, जाप करें और किसी भी प्रकार से अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। बहुत जरूरी हो जब भी आपको निकलना है घर से, और घर में आने के बाद जो भी नियम है वो सब आप फॉलो करेंगे। इसके साथ साथ एक उपाय मैं आप लोगों को बताता हूं कि यदि किसी भी कारण से किन्हीं परिस्थितियों में आपको कोई पूजन पाठ या कोई अनुष्ठान स्वास्थ्य लाभ हेतु करना है या करवाना है, उसके लिए मैं आप सब लोगों के लिए निस्वार्थ और निःशुल्क उपलब्ध हूं। आप मुझसे सलाह ले सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। सभी के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय जो इस समय अपने को कामयाबी दिलाएगा, रोग से निपटने की क्षमता दिलाएगा, वह है देवी जी का एक सिद्ध कुंजी का स्तोत्र और 32 नाम का एक स्तोत्र है। वह आप लोग स्वयं भी करें, यदि नहीं कर सकते तो आप मुझको सेवा का अवसर प्रदान करेंगे, मैं आप सब लोगों के लिए यह निःशुल्क ही पाठ करूंगा। आप जहां हैं वहीं रहें, आपका नाम आपका गोत्र मुझको व्हाट्सएप पर लिख कर भेजें, मैं आप लोगों के लिए देवी जी से हृदय से प्रार्थना करूंगा कि आपका घर परिवार स्वस्थ और सुखी रहे। इसी के साथ आप लोगों को नमस्कार।